अकेला सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि इतने लोग मुझे रोक के भाई हम मेघालय के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे पूरा ट्रक की बड़ी लाइन लगी है। ठीक है ब्रो, ठीक है, चलो चलो भाई। ओके तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पहले हम बदरपुर होते हुए कलेन जाएंगे और आज जो है ना हमने सुबह सुबह में जो है ना ठंडे पानी से नहाया और उस तालाब में, यहाँ पे ज़्यादा करके ना हर एक घर के सामने जो नहाया, यहाँ पे तालाब है और ज़्यादा करके उसी में ये किया नहाते हैं ये लोग। और ये देखिए यहाँ पे भी तालाब है, इस साइड भी तालाब है और यहाँ पे भी एक नहा रहे ना। अभी कल्चर बहुत ही अलग है और यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ जो है ना 200 मीटर है और मैंने कल के वीडियो में अगर आप देखोगे मैंने बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी गया था कल। तो भाई हम तकरीबन जो है ना 20 किलोमीटर आ चुके हैं जहाँ के हसन भाई के घर से और अभी जो है ना हमारा एक GoPro का बैग जो है ना वहीं पर छूट गया, तो अभी हसन भाई भी आ रहे हैं और मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ, तो कहीं बीच रास्ते में जो है ना हमें असम भाई ला के उस बैग को दे देंगे, GoPro को, GoPro के बैग को। ऐसे तो मैंने जो सामान निकालता हूँ ना वो सामान मैं एक साइड में ही रखता हूँ ऐड करते हुए, अभी तक ऐसे कहीं पे हुआ नहीं। लेकिन ये जो है ना GoPro का बैग जो है ना इसके अंदर रह गया कंबल के अंदर, मैं कंबल तो फोल्ड कर रहा था, उन्होंने कहा क्या नहीं चाहिए छोड़ दो, मैं कर दूँगा इसको, मैं तभी फोल्ड करता तो मिल जाता छूट नहीं जाता। चलो सही है, तो भाई ये हमारा GoPro का बैग छूट गया था और यहाँ पे हसन भाई और ला के दिया, तो अभी हम चलते फिर रिटर्न। कितना 10 किलोमीटर हम पीछे आ गए, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। चलो ठीक है, शुक्रिया जज़ाकअल्लाह, ओके थैंक यू ब्रदर, चलो ठीक है। और भी नवीद आराम के नाम से ही ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इनका नाम मौदूद भाई है और ये हमें यहाँ पे उन्होंने रोका सिर्फ बात करने के लिए, देखकर यार अच्छा लगता है बात करने के लिए कोई रोकता है तो उससे भी बातें होती है। तो यही है ना कि मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि इतने लोग मुझे रोक के बातें करते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो अकेलापन का महसूस ही नहीं हो जाता। लेकिन जब फ़ोटो निकालने की बात आ जाए ना तब पता चल जाता कि यार साथ में कोई होता तो अच्छा होता। SSD में ना जितना भी मोबाइल का डाटा था ना मैं SSD में रखता था और कल मेरी SSD जो है ना चेक कर रहा था मैं वीडियोस जो कि SSD से, और SSD ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि पूरा खाली हो चुका है SSD से, यानी पूरा डाटा जो है ना मेरा करप्ट हो गया है, तो इसलिए थोड़ा मूड ऑफ भी था कि इतना सारा डाटा मेरा पूरे राइट का डाटा जो है ना उसी के अंदर था, एक भी फोटोज़ जो है ना मेरे पास नहीं है, अभी जो मैंने इंस्टा में अपलोड किया ना वही है मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ जो है ना करप्ट हो गया है। तो मैंने SSD जो ना भेज दिया एक दोस्त के पास, वहाँ पे देखते हैं अगर वो होता है तो बहुत ही अच्छा है कि डाटा रिकवर होगा। तो और अभी हम यहाँ पे कलेन में रुके हैं अपना खाना खाने के लिए और वो रही अपने स्कूटर सामने, तो यहाँ से अभी हमारा प्लान है कि हम जवाई जाएंगे जो कि मेघालय में आता है और यहाँ से जो है ना 132 किलोमीटर है, तो कोशिश करेंगे कि शाम से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुझे पता नहीं कि वो जवाई कैसा प्लेस है, मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया कि आप जवाई जाना, जवाई से जो ना चिरुपुंजी जाना, चिरुपुंजी से फिर आप शिलोंग के लिए निकल जाना, तो एक बार देखेंगे जाते हुए बीच में के जवाई में है क्या असल में, और फिर उसकी मैप के अंदर भी देखेंगे बेस्ट प्लेसेस, क्योंकि मेघालय जो ना बहुत ही बढ़िया प्लेसेस है। और सो भाई हम मेघालय के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर पूरा ट्रक की बड़ी लाइन लगी हुई,
पता नहीं आगे कुछ हुआ होगा इसलिए लगी होगी लाइन इतनी बड़ी। तो भाई अभी जाके जो ना ट्रक आ रहे इस साइड से, लेकिन ये ट्रक की लाइन तकरीबन जो है ना 5 किलोमीटर से भी लंबी है। एक ट्रक भी मूव नहीं कर रहा है ना। तो भाई अभी जाके जो ना ट्रक हल्के हल्के मूव कर रहे हैं, शायद आगे कुछ हुआ है ना। तकरीबन जो है ना 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की। जैसे मैंने 94 किलोमीटर था जब तब से मैंने राइड कर रहा हूँ, तो आगे जाके देखेंगे ट्रैफिक कहाँ पे ख़त्म होती है। अभी 87 किलोमीटर है जो है, तो समझो कि 7 किलोमीटर से भी 7 किलोमीटर हो गए। यहाँ से हम लेके चलते भाई, इतना लंबा ट्रैफिक है ना ये। अब तक जो है ना 8 किलोमीटर लंबा हमने कवर कर चुके हैं, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ से फिर सोनापुर जो कि 7 किलोमीटर है वहाँ तक आपको ट्रैफिक मिलेगा। और ये हर रोज़ का ट्रैफिक है भाई। वो लगता है ट्रैफिक यहीं पे ख़त्म हो गया। नहीं नहीं यार, एक साइड के तो मूव हो रहे, दूसरे साइड के तो अटके हुए यहाँ पे। चलो चलो चलो, अभी हमारे पूरे जैकेट के कलर चेंज हो जाएंगे ना यहाँ पे। पीछे है ना हमारे एक बुलेट भाई, आप बुलेट पे आ रहे हैं और ये बार बार हॉर्न मार रहे विदाउट एनी रीज़न। यार ये क्या होता है हॉर्न मारते रहना बार बार ना। ये देखिए कुछ भी नहीं है फिर भी हॉर्न मार रहे भाई, इतना ओपन रोड है। जस्ट देखना भाई कितना ज़्यादा है, इतना ख़राब है भाई, बहुत ही ज़्यादा। जब से ट्रक के ट्रैफिक में फंसे हैं ना तब से जो ना तकरीबन मैंने 20 किलोमीटर कवर करे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रोड इतना ख़राब है ना। यहाँ से 65 किलोमीटर से जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आज हम जो है पहुँच पाएंगे। जहाँ पे बढ़िया रोड मिलेगा ना वहाँ पे जाके जो है ना हम आज रुक जाएंगे। ऑफ रोडिंग करने के बाद हम एंटर कर चुके हैं मेघालय, जो कि हमारे ऑल इंडिया राइड का जो है ना 22nd स्टेट है। और एक बार जो है ना मैं आपको स्कूटर दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्कूटर की हालत क्या हो चुकी है। सामने देखिए पूरा इस साइड, यानी इसके टायर देखना, और यहाँ पे देखना इंजन की हालत क्या हुई। डस्ट देखना पूरे बैक के ऊपर जो है ना यहाँ पे डस्ट है फुली। ये देखिए अपना राइनॉक्स का बैग क्या हो चुका है। ये देखिए भाई, एंड सामने भी उसी तरह हाल हो चुका है स्कूटर का। और ये देखिए अपना हाल, पूरी जगह पे डस्ट ही डस्ट है। ये देखिए पूरा डस्ट से भरा हुआ है ना यू। तो भाई बहुत लंबे हम यहाँ पे खड़े रहे, तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा ना। यहाँ से रोड अच्छा है बता रहे हैं, और अभी 5 बज चुके हैं।
सो भाई फाइनली हमें मिला है बढ़िया सी जगह पेट्रोल पंप पे, और यहाँ से जो है ना जॉय है अभी 53 किलोमीटर्स। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और अभी स्टे करेंगे हम यहाँ पे टेंट लगा के। ये रही अपनी स्कूटर और यार ये रहा पेट्रोल पंप, 24 आवर्स ओपन रहते हैं ना। उसी पेट्रोल पंप को मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा करके कैंपिंग करने के लिए, ताकि अगर सो भी जाते ना तो वहाँ पे लोग आते जाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे लगाएंगे अपना बढ़िया सा कैंप। और इतनी ख़राब हालत हो चुकी है ना भाई अपनी, यार कैमरा में दिख रहा है नहीं, जैकेट आप देखो कि कैसा डस्टी हुआ है पूरा। सो भाई एक बार आपको नज़ारा देखता हूँ बाहर का, ये देखिए ट्रक्स ही ट्रक्स है यहाँ पे, ट्रक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। और अपना यहाँ पे टेंट भी लग चुका है, अभी जो ना टाइम हो रहा है 7-7 बज चुके हैं। और आज का रोड जो है ना बहुत ही क्रेजी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड रहा आज का हमारा, और बहुत ही लंबे ट्रैफिक के अंदर फंस रहे हैं। तकरीबन जो है ना 8 किलोमीटर तो मैंने रिकॉर्ड किया, उससे ऊपर जो है ना ट्रैफिक थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, लंबी लाइन लगी हुई थी 8 किलोमीटर से लंबी लाइन। और बाइक रहने की वजह से हम इतना जल्दी पहुँच पाए, वरना अगर दूसरी गाड़ी होती तो नहीं पहुँच पाते थे यहाँ तक। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो करना, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर।